तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का दीपुनेगी के नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे, मैं भी बढ़िया। तो आज के दिन मैं पहुंच चुका हूं रिकोंगपियो। यहां तक कैसे पहुंचाना वो सब तो खैर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और शूटिंग करना ना वो भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही थी हमें। तो अभी फाइनली मैं रिकोंगपियो पहुँच चुका हूँ, तो आज यहीं पर ही घूमेंगे और यहीं के नज़ारे आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों करते हैं आज का ये छोटा सा व्लॉग स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, तो ये पहुंच चुके हैं हम मेन चौक पे। और ये है ठाकुर सेन नेगी जी की प्रतिमा। तो ये ठाकुर सेन नेगी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। किन्नौर की जो प्रॉपर्टी है ना वो हम बाहर के किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकते, जो कि इनने ना बहुत ही अच्छा काम किया। नहीं तो अभी तक तो किन्नौर में कई तरीके के लोग बाहर से बस जाते हैं प्रॉपर्टी लेकर, लेकिन अभी जो है कि किन्नौर में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, जो कि हमारे श्री ठाकुर सेन नेगी जी के द्वारा हुआ है। तो जितनी भी लोकल रूट और लॉन्ग रूट की बसेज होती है ना वो सारी आकर यहाँ पर रुकती है। ये है मेन बाज़ार पे एक लोकेशन जहाँ पर कि एक छोटा सा और एक बस स्टैंड बनाया गया है। यहाँ से काफ़ी सारे यात्रियाँ चढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ लोकेशन है ये। और यहाँ पर एक ख़ास काम किया गया है ये टाइमिंग को लगाकर, ताकि यहाँ पर जो है ना गाड़ियाँ आपस में ना भिड़े। तो ये भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है यहाँ पर, और बिल्कुल ना टाइमिंग के हिसाब से। अभी यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है तो फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से निकलेगी, तो ये काम जो है ना बेस्ट किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ बस स्टैंड को ना काफ़ी सजा दजा के रखा है। यहाँ पर ना किन्नौर की मतलब हर कलाकृति को ना यहाँ पर दिखाया गया है पीछे दीवार में। अपना किन्नौर भी ना काफ़ी डेवलप हो चुका है। यहाँ पर देखिए आप, बोतल को ना रिसाइकल करने की मशीन भी लगाई गई है, जो कि आज से करीबन 5-6 साल पहले नहीं थी जबकि मैं किन्नौर में पढ़ता था। तो चलो तरक्की हो रही है। तो मेरा रिकोंगपियो आने का ना मेन कारण यहाँ पर घूमना नहीं था यार, मैं आया हूँ मम्मी पापा के साथ क्योंकि उन्हें कुछ काम था तो मुझे भी ले आए साथ में। तो मैंने बोला चलो ठीक है फिर हम भी चलेंगे साथ में। और ये इसी चौक से आगे काफी सारी सब्जियों की शॉप, मतलब रिकोंगपियो किन्नौर का एक ऐसा स्टेशन है ना जहाँ पर कि हर तरीके का सामान और जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए ना वो यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है, आप लोगों को आराम से मिल जाएगा वो सारा सामान।
तो जैसे ही आप लोग चौक से आगे आ जाओगे ना, तो आपको एक टर्न मिलेगा। इस टर्न से होकर ना आप जा सकते हो छोटे मार्केट की तरफ, रिकॉन्पियो के बैक साइड। तो बैक साइड की मार्केट दिखाते हैं जी आपको। तो अभी मैं आ चुका हूँ इस गली वाली मार्केट के बिल्कुल एंड वाले लोकेशन में, और अब जाऊँगा रिटर्न की तरफ। तो रिटर्न का ना सारा व्यू मैं आपको टाइम लैप्स में दिखाऊँगा, तो आप लोग बाकी चीज़ें ना खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। तो ऐसा कुछ नज़ारा था रिकॉन्पियो की बैक मार्केट का। ये ऊपर ऊपर की पहाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, ये है कैलाश पर्वत, और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। दो दिन का हाई अलर्ट बताया गया था किन्नौर में पहाड़ी एरियों में, तो यहाँ पर ना नीचे की तरफ तो बर्फ़बारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है इस साल। लेकिन खैर चलो, जितनी भी हो रही है उतनी अच्छी है यार, क्योंकि रात भर बारिश हो रही है। मैं शायद, मुझे याद है जैसे कि शाम के 12 बजे, रात के 12 बजे से लेकर ना सवेरे के 5-6 बजे तक कंटिन्यू बारिश हो रही है, और नीचे बारिश हो रही है मतलब ऊपर की ओर अच्छी खासी बर्फ़बारी हो रही थी। तो आप सभी सोच रहे हो ना, ये बंदा छालनी लगा के एकदम पैक हो रखा है, तो इसको ना हम लोग छालनी कहते हैं, और ये भेड़ के ऊन के द्वारा बनाया जाता है। इससे ना ठंड नहीं लगती है, क्योंकि पहाड़ी एरियों में ऊपर ऊपर ज़्यादा बर्फ़बारी हो चुकी है ना, तो नीचे की तरफ ना शीत लहरें आ रही है काफ़ी ठंडी ठंडी, जिससे बचने का ना ये साधन ढूंढा है आज के दिन के लिए। तो ये तो उतरने वाला नहीं है आज, इसी के साथ व्लॉगिंग होगी आज। और ये दाखो जाने का रास्ता है यहाँ से आगे की तरफ 2.5 किलोमीटर। तो ऐसा कुछ नज़ारा था हमारे प्यारे से रिकॉन्पियो का। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब निकल रहा हूँ मैं रिकॉन्पियो से ऊपर की तरफ, क्योंकि मम्मी और पापा ना ऊपर है, तो उनको लेने चलते हैं। अब वो भी फ्री हो चुके हैं, तो चलिए तब तक आप लोग थोड़ा टाइम लैप्स में देखिए वीडियो। तो ये रानी हमने ना यहाँ पर पार्क कर रखी थी, तो चलिए अब चलते हैं अंदर और आप लोग देखिए वीडियो आगे का। तो दोस्तों, ये अभी मैं पहुंच चुका हूँ रिकॉन्पियो अस्पताल में। तो ऐसा कुछ नज़ारा है रिकॉन्पियो अस्पताल का, और ये है एंट्री गेट। तो चलिए अंदर भी घुमा ले आते हैं आपको। और ये स्टार्टिंग में यहाँ पर डुंगुर बनाया है एक। यहाँ पर भी ना हर वार्ड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइस के लिए उधर है, और ये पता नहीं किस किस के लिए, तो देख लीजिए आप।
और इसी बड़े हॉस्पिटल के साथ आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश। तो रास्ता है यहाँ से अंदर, यहाँ भी मैं जा चुका हूँ लेकिन अभी नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे हम आगे क्योंकि मम्मी पापा है वहाँ आगे की तरफ। तो चलिए, तो अभी चाय के साथ करेंगे हम वीडियो को एंड, क्योंकि चाय पीने के बाद ना अब मुझे चेयर रेस्ट। और अगर आप सभी को दोस्तों मेरी ये आज की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप सभी को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मैं दीपू नेगी लेता हूँ आप सभी से अलविदा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।